आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कानपुर की एक दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस कर्मियों की गाड़ी में 10 से 15 हजार रुपए का डीजल डलवा दिया है ताकि वो उसकी नाबालिग लड़की को ढूंढ सके, जिसके पिछले महीने ही एक रिश्तेदार ने अपहरण कर लिया था। बैसाखी के मदद से चलने वाली महिला सोमवार को उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत लेकर कानपुर पुलिस प्रमुख के पास पहुंची। कमिश्नर दफ्तर के बाहर स्थानीय मीडिया से बात करते हुए गुड़िया नाम की इस विधवा महिला ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। वही ये घटना जिस स्थानीय क्षेत्र की थी वहाँ के इंचार्ज को पद से हटा दिया गया है और उसके खिलाफ भारी जांच बैठाई है।